नागपुर डोबी नगर इलाके में शासन और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण लाए जाने को लेकर मामला गरमाया हुआ है। पिछले 70 सालों से यहां पर बसे हुए नागरिकों को अचानक रेलवे प्रशासन द्वारा नोटिस दी गई है कि वह अतिक्रमण क्षेत्र में आते हैं। इसी के चलते इस अतिक्रमण को रोकने और अपनी आवाज और अपना दर्द सरकार तक पहुंचाने के लिए डोबी नगर बचाओ संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2023 को नागपुर के संविधान चौक पर जनाक्रोश आंदोलन किया गया, जिसमें सभी नागरिकों ने इस अतिक्रमण को रोकने तथा अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए संविधान चौक पर जमा होकर अधिकारियों को अपनी बात बताई। आप लोगों की मदद के लिए आए हुए सब लोग, नागपुर शहर और झोपड़पट्टी का वास्ता काफी पुराना है। कितने साल से रहते आप डोबी में? 70 साल से। ये जगह किसकी है? तुम्हारी रहने के पहले किसकी थी? रेलवे की थी। अभी इस जगह पे से 70 साल में आपको कोई भी हटाने आया क्या? नहीं। कोई कांग्रेस भी आई, ना बीजेपी आई, ना बीएसपी आई, तो किसी को अधिकार नहीं है कि वोट मांगने के लिए आते हैं ये बोलने का। एक बार समझ लो, तो वोट मांगने आते हैं ना, वही लोग आपको बचा के 70 साल तक यहाँ रखे हुए हैं। इतना टाइम में रखने की मैं कोई भाषणबाजी देने नहीं आया, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ और जनता के बीच से चुनाव लड़ के जीत के आया हूँ। रेलवे वालों ने आपसे बात की होंगे तो कुछ बताया होंगे, किसने बताया इनको तोड़ने के लिए? कोई महाराष्ट्र शासन ने बताया या केंद्र शासन ने बताया, महानगर पालिका ने बताया, एनआईटी ने बताया, किसने बताया है? ये है विकास ठाकरे जी जो बात कह गए, जयेश गवकर जी जो बात कह गए, या संघर्ष समिति के जो भी साथी जो है, जो भी नुमाइंदे जो है, जिसके पहले भी उन्होंने जो जो बात कही हुई है वो बात मैं सब सुनते आया हूँ। ये जायज बात है। विकास जी ठाकरे का कहना ये था कि आवाम के ऊपर मैं बुरा दाखिल ना हूँ। बुरा दाखिल अगर हो, जो लड़ाई लड़ते होगा तो बुरा दाखिल किसी के ऊपर होगा वो समिति के ऊपर में होगा, मैं खुद के ऊपर में लेने के लिए सबसे पहले बुरा दाखिल करने के लिए अपने ऊपर, क्योंकि हम आपके बीच में से आए हुए नुमाइंदे, वो बुरा दाखिल होने के लिए मेरे भाई के ऊपर में बुरा दाखिल होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा संपूर्ण देश को देने वाले देश गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा जिनकी छत्र छाए में हम सब आवाम इधर इकट्ठा हुए हैं, संविधान के रचयिते भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नमन करती हूँ। सम्माननीय मंच और उपस्थित मेरे सभी प्यारे बहनों और भाइयों, हम किसी से खुशियां मांगे हमें ये मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जितना अपनी तकदीर में लिखा है एक दिन जरूर अदा होता है। ये मेरे लिए नसीब की बात है, मुकद्दर की बात है कि इन लोगों ने मुझे डोबी नगर समिति का अध्यक्ष बनाया और मेरी क्यादत के अंदर मेरे सब नौजवान साथी रात और दिन कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम जितने डिपार्टमेंट हैं, जो हमारी बस्ती के अंदर जिनका इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो म्यूनिसिपल कमिश्नर का ऑफिस हो, चाहे सड़क विभाग हो। एनए चैनल के सभी दर्शकों को सलाम करती हूँ। हम देश के 75वीं स्वतंत्र गांठ मना रहे हैं। देश आजाद होकर 75 साल हो गए, मगर हम आज भी आजाद नहीं हुए, ये मंजर को देखते हुए ऐसा लगता है। हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का आदर्श है कि हम रेफ्यूजियों को भी पनाह देते हैं, बहुत अच्छा, हम आतंकवादियों को भी सम्मान देते हैं, ऐसी हमारी देश की संस्कृति है। मगर आज देश की आवाम और गरीब आवाम अपने न्यायिक हक के लिए, अपने संविधानिक हक के लिए, अपने सर पर के आशियाने के लिए अगर सड़क पर बैठती है, आंदोलन करती है, तो इससे बड़े दुख की और इससे बड़े शोक की बात कोई हो नहीं सकती।
हमारे देश के पंत प्रधान साहब ने बोला है कि माननीय मोदी साहब ने आह्वान किया है कि मेरे देश की एक भी जनता बिना छत की रहनी नहीं चाहिए, बिना घर की रहनी नहीं चाहिए। तो केंद्र सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जब तक डोबी नगर के रहवासियों की पुनर्वसन की योजना महाराष्ट्र शासन, केंद्र शासन और मध्य रेल के पास नहीं है, तब तक इनके आशियानों की एक ईंट भी हिलना नहीं चाहिए। जब तक इन गरीब जनता का सम्मानजनक, मैं वापस से दोहराती हूँ, सम्मानजनक पुनर्वसन नहीं होता, तब तक इनके आशियाने की एक ईंट भी हिलनी नहीं चाहिए। आज गली से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पक्ष की सरकार है। भारतीय जनता पक्ष से हमें उम्मीद है। भारतीय जनता पक्ष पर आरोप लगते हैं कि ये सरकार, ये पक्ष सिर्फ हिंदुओं का है। तो आज इस सरकार को कि सरकार सभी के लिए समान है, सरकार के लिए सभी नागरिक अपने बच्चे हैं, ये साबित करने का स्वर्ण मौका महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को मिला है। ये सुनहरा मौका इन्होंने गंवाना नहीं चाहिए। अतिक्रमण के लिए पूरी तरह सरकार, शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ की जनता को सभी मूलभूत सुविधाएं सरकार ने दी है, रास्ता दी है, पानी दी है, सड़क दी है, टैक्स यहाँ से कारपोरेशन लेती है। जब इतनी सुविधाएं आपने दी जनता को, जनता से आप वोट भी लेते हो, इलेक्शन कार्ड भी आपने दिए हैं, तो सरकारें इनसे वोट लेती है, सरकारें इनसे टैक्स लेती है, तो इन लोगों का आशियाना आपको क्यों नजर में खुपता है, क्यों नजर में छुपता है? अगर विकास का मतलब गरीब के आशियाना रोंगना है तो ऐसा विकास देश की जनता को नहीं चाहिए। मैं अतिक्रमण का समर्थन नहीं करती। अतिक्रमण ये देशव्यापी समस्या है, मगर इस अतिक्रमण को शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। जब अतिक्रमण की पहली ईंट रखी जाती है, तभी अगर शासन प्रशासन वो रोकती है तो ये नौबत आई नहीं रहती थी। मगर फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने और खास करके रेल विभाग ने जो बार बार हमें बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की, देश का सुप्रीम कोर्ट कभी बोलता नहीं कि लोगों को बेघर करो, छोटे बच्चों के सर पे से उनका आशियाना निकाल के उनको फुटपाथ पे लाओ, उनको भूखा धूप में रखो, ऐसा देश का कानून बिल्कुल भी बोलता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आप कुछ ना कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा मेरा आरोप है। वापस से रेल विभाग ने पुनर्विचार करना चाहिए। अगर आपका रुख गरीबों के आशियाने, गरीबों के घर रोंगते हुए निकलता है आपके रेल का रुख, तो ऐसा रुख आप बदल दीजिए, नहीं तो विकास के विरोध में डोबी नगर की जनता नहीं है। डोबी नगर की जनता को भी देश का विकास चाहिए। डोबी नगर की जनता भी देश की जिम्मेदार नागरिक है, संविधानिक देश की संविधानिक नागरिक है और जिम्मेदार नागरिक है डोबी नगर की जनता। डोबी नगर की जनता विकास चाहती है, मगर पहले उनका सम्मानजनक पुनर्वसन कीजिए और जितना विकास करना है उतना कीजिए।